तो हेलो दोस्तों, बेसिकली हुआ ये कि कल परसों मैं गया था स्टेशन, अमेजॉन फ्लेक्स के स्टेशन में। तो पहले तो ऐसा हुआ था मेरे साथ, एक दो बार मैंने वीडियो भी बनाया था, लेकिन ये अभी भी स्टार्ट है, अभी भी ये हो रहा है जो भी नए बंदे हैं उनके साथ। मुझे बहुत ही पर्सनली गिल्टी फील हुआ कि मैं इसके ऊपर वीडियोज़ बनाता हूँ, लोगों को बताता हूँ कैसा प्रोग्राम है। तो ये मिस्टेक्स भी मैं बताऊँ, और मैं चाहूँगा कि ये अमेज़ॉन फ्लेक्स टीम की तरफ से कोई देख रहा है तो ये समझे, और जो भी नए डिलीवरी पार्टनर्स ज्वाइन हो रहे हैं एज अमेज़ॉन फ्लेक्स डिलीवरी पार्टनर, उनकी ये दिक्कतें आप सॉल्व कर सकते हो ऐसा मुझे लग रहा है, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो ज़रूर आप तक पहुँचेगी, ऐसा मैं कुछ एल्गोरिदम लगा दूंगा कि आप तक ये वीडियो पहुँचेगी। ओके दोस्तों, बात ये है कि अमेज़ॉन फ्लेक्स में आप किसी भी स्लॉट को बुक करते हो तो जाने के बाद आपको पैसा मिलता है। तो कब मिलता है? जब आप कोई भी कोड स्कैन करते हो, भले अंदर पैकेट हो ना हो, आपको जाने के बाद पैसा देना, ये अमेज़ॉन का वादा है, उसके मुताबिक आपको पैसा आना चाहिए। लेकिन कल परसों हुआ ऐसा कि मैं गया एक स्टेशन में, स्टेशन कोड तो बताने की ज़रूरत नहीं, एक स्टेशन है हमारे यहाँ का मुंबई में, नई मुंबई में, तो वहाँ गया मैं और उनसे दो चार बंदे और भी थे। तो हमने बात की कि हमारे लिए कुछ ऑर्डर्स है, तो वहाँ पे कहा गया कि आपके लिए कोई ऑर्डर्स नहीं है। उसका साफ मतलब होता है कि कोई ऑर्डर्स नहीं, तो कोड तो स्कैन करने देंगे अटेंडेंस, तो वो भी नहीं दिया गया। उसका मतलब आपको पेमेंट भी नहीं आएगा, कोई ऑर्डर्स भी नहीं, मतलब आपका जाने आने का टाइम वेस्ट। उसके ऊपर एक इलाज है, लेकिन वो बहुत हेडेक वाला है। मैंने चाहता कि आप सब उस हेडेक वाले मैसेज से या तो मेल से आपका काम हो जाए। मैं चाहता हूँ डायरेक्ट हर स्टेशन में जो भी डिलीवरी पार्टनर्स वहाँ अटेंडेंस लगाते रहता है उनको कोड देना ज़रूरी है, भले उसने पैकेट मारा हो ना मारा हो। ओके, तो बात यह है कि उस दिन कोड नहीं दिया गया। तो सिंपल सा दूसरा एक प्रोसेस है, आपको मेल करना होता है कंपनी को, अमेज़ॉन फ्लिप डैश सपोर्ट एट द रेट अमेज़ॉन डॉट इन। लेकिन बात यह है कि उनकी तरफ से आप मेल करने के बाद रिप्लाई क्या आता है कि अगर कोई भी रूट अवेलेबल नहीं है तो आपको पेमेंट आ जाएगा, प्लीज़ कंफर्म आपने IRR किया था और कोड स्कैन किया था। IRR तो आप कर लेंगे, लेकिन जो कोड स्कैन करना होता है वो कोड होता है जो भी वहाँ की पिकअप स्टेशन है उनके पास, वो तभी देते हैं जब पैकेट्स होते हैं। सब स्टेशन नहीं होते, हमारे जैसे यहाँ एक दो स्टेशन है जहाँ पे पैकेट्स ना होते तो भी वो कोड देते हैं, लेकिन एक दो स्टेशन नहीं देते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अमेज़ॉन फ्लेक्स टीम से मेरी यही दरख्वास्त है कि जो भी नए डिलीवरी पार्टनर से उनको बहुत बड़ी ये दिक्कत हो रही है, मैंने मेरी आंखों से देखा, और वो तो मेल विल करना नहीं जानते और उनको सिखाने के लिए भी कोई नहीं है। ज़्यादातर अमेज़ॉन फ्लेक्स डिलीवरी में कम पड़े हैं वो लोग आते हैं। ओके, तो मैं नहीं चाहता कि उनको दिक्कत हो जाए। ओके, उनको मेल लिखना भी नहीं आता, अगर कॉल सपोर्ट को कॉल किया जाए तो वो बताते कि आप मेल टाइप करो, वो खुद तो टाइप करते नहीं है, इसलिए ये बहुत बड़ी दिक्कत है। आपने भी ये फेस किया होगा, नहीं किया होगा मुझे पता नहीं, यहाँ पे तो नवी मुंबई में फेस किया जा रहा है, बहुत लोगों को तो पता ही नहीं, मेल भी करते हैं और पैसे लेते हैं कंपनी से, वो ऐसे ही जाते हैं, उनका टाइम भी वेस्ट होता है, सब कुछ पेट्रोल भी वेस्ट होता है, 10 10 15 15 20 20 किलोमीटर दूर से आते हैं वहाँ पे काम के लिए, तो ये दिक्कत हो रही है उनके पास। तो आप भी ऐसा सिचुएशन फेस कर रहे तो आपको एक सिंपल सा मेल का प्रोसेस बता देता हूँ, लेकिन उससे पैसे आएंगे ये गारंटेड नहीं है, क्योंकि पिछली बार मेरे साथ ऐसा हुआ था तो मेरा 3 महीने के बाद पैसा आया था, 3 महीने के बाद, वो भी मैंने रेगुलर कंटिन्यूसली मेल डाला था तब आया था, कंटिन्यूसली उनको बैकअप लेता रहा, बैकअप लेता रहा, तब जाके वो 3 महीने के बाद पैसा मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ। ओके, तो सिंपल से जो मेल की प्रोसेस है वो बता देता हूँ, आप चाहे तो जब तक पैसा नहीं आता तब तक वो भेज सकते हो। ओके, तो आपको कंपनी को मेल करना है, आपको कुछ नहीं आता, टाइप करना भी नहीं आता, तो आप मेल लिख सकते हो। उसके लिए सिंपल सा प्रोसेस है, आपको मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूँगा। आप जैसे आपका होम, मतलब
अमेजोन का ऐप फ्लेक्स डिलीवरी का ओपन कर दिया, तो दोस्तों मेन्यू सेक्शन में आपको अर्निंग सेक्शन दिख रहा होगा, अर्निंग सेक्शन में जाना है। अर्निंग सेक्शन में कोई भी आपका पेमेंट हुआ हुआ उस पर क्लिक करो। उस पर क्लिक करने के बाद उसमें नीचे लिखा है रिपोर्ट अ प्रॉब्लम, रिपोर्ट अ प्रॉब्लम में आपको क्लिक करना है। वहाँ पे ऑप्शन आएंगे बहुत सारे, व्हाट्सअप ये वो, तो आपको मेल पे सिलेक्ट करना है। जैसे जीमेल पे सिलेक्ट करोगे, नहीं तो आपका याहो मेल होगा तो याहो मेल का भी ऑप्शन आएगा। तो मेरा जीमेल है तो मैं जीमेल सिलेक्ट कर देता हूँ। तो जीमेल सिलेक्ट करने के बाद पूरा फॉर्मेट आ जाता है, पूरा फॉर्मेट, उसमें पेमेंट प्रॉब्लम सब्जेक्ट में लिखा आएगा और आपका नाम रहेगा। तो नीचे आएगा डेट टाइम ब्लॉक, और आपको वहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन आप क्या प्रॉब्लम वो भी लिखने के लिए आता है। तो आपका जिस डेट का ब्लॉक है वो लिखना है, टाइम लिखना है, और डिस्क्रिप्शन में आपका क्या प्रॉब्लम है वो लिखना है। मतलब मैं स्टेशन पे आ चुका हूँ, मतलब आई अराइव्ड एट स्टेशन बट पैकेट नॉट रिसीव्ड, ऐसे इंग्लिश में लिख सकते हो। और मुझे कोड भी नहीं दिया गया है, अगर कोड दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो आपको लिखना है कि कोड नहीं दिया गया है और पैकेट भी नहीं है, तो मेरा पैसा कब आएगा, मतलब व्हेन आई रिसीव्ड माई पेमेंट, ऐसा लिख सकते हो। और पेमेंट कब आएगा ये पूछ सकते हो, आप मराठी में पूछ सकते हो, हिंदी में पूछ सकते हो, आपके जो भी लैंग्वेज है पूछ सकते हो। ओके, तो उस लैंग्वेज में आप टाइप कर सकते हो। और पेमेंट सब्जेक्ट में लिखना है आई आर आर स्टेशन पेमेंट नॉट रिसीव्ड, जो पेमेंट प्रॉब्लम वो निकाल देना है। आई आर आर स्टेशन तो पेमेंट नॉट रिसीव्ड और कोड ऑल्सो नॉट डिस्प्ले फ्रॉम स्टेशन। ओके, इतना लिखना है बस, ये भेज देना है। फिर से उनके पास से एक ही मैसेज आएगा, वो मैं पहले बता देता हूँ क्या मैसेज आएगा, वो दिखा देता हूँ। यही मैसेज उनसे आता है, उसे इग्नोर करना है, फिर मैसेज करना है, फिर इग्नोर करना है, फिर मैसेज करना है, ऐसे जब तक भेजना है जब तक आपका पेमेंट आता नहीं है। तब तक भेजो जब तक पेमेंट नहीं आता है, एक दिन ज़रूर पेमेंट आएगा, लेकिन टाइम बहुत लग सकता है इसमें। पेशेंस बहुत ज़रूरी है, यूट्यूबर्स को तो बहुत पेशेंस होता है, इसलिए 3 महीने तक मैंने उनको मेल भेजा, पैसा आया। ओके, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस है उस बार, मतलब उस बात का, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप अमेजोन फ्लिक्स टीम से हो तो यार इसका कुछ सोल्यूशन निकालो, सब स्टेशन में कह दो कि यार कोड तो दे दो जिनको जो आते हैं आपके यहाँ पैकेट्स लेने के लिए। अभी तो मैंने देखा 2-3 दिन पहले, तो हमारे एक स्टेशन है वहाँ से डायरेक्ट बता दिया जाता है कि आप नए हो, आप इतने पैकेट्स नहीं मारोगे, आप घर जाओ, उनको डायरेक्ट ही बता दिया जा रहा है। क्योंकि ये बात ये हो रही है कि नए बंदों को 40-35 पैकेट्स दिए जाते हैं और वो रिटर्न लेके आते हैं, तो उनको दिक्कत होती है स्टेशन में कि अब ये कौन मारेगा, तो ये दिक्कत हो रही है। तो काम तो ज़्यादा है, ऐसे पैसे नहीं दे रहे, पहले ही बता देता हूँ, और जो भी पुराने उनको पता ही है। ओके, और कहाँ तो अभी भी मज़ा है, मुझे बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है कि हमारे यहाँ इतना लोड नहीं दिया जाता है। तो आप सबको शुभकामनाएं, आपके यहाँ ऐसा ही रहे, ज़्यादा लोड ना बढ़े। और ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे बताना, थोड़ा भी वीडियो हेल्पफुल रहा हो ना ज़रूर यार वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर अभी तक नहीं होना तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा देना। तो बाय, टेक केयर।